सुनहरे बाल वाली सास। 60 साल की बूढ़ी कुंतल अपने बेटे बैजू और बहू बेला के साथ सीतापुर गांव में रहती थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और उसके बालों की सफेदी बढ़ते बुढ़ापे को साफ तौर से साझा कर रही थी। देर सांझ उसका बेटा बैजू घर आता है। बैजू बेटा, तू आ गया। माँ, जब आपने मुझे दरवाजे से दस्तक देते देख लिया तो टोकना जरूरी है क्या? अरे बेटा, परसों तेरे बाबूजी की बरसी है। माँ, मेरी इतनी कमाई नहीं जो मैं हर एक साल बाबूजी की बरसी मनाता रहूं। अपने जाने के पीछे एक पैसा नहीं छोड़ गए वो। अरे छोड़ क्यों नहीं गए? तुम्हारी बूढ़ी माँ का पेट भरने की जिम्मेदारी तुम्हारे ही सर तुमड़ गए हैं। दिन भर पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं और सांझ होता नहीं कि करहाने का स्वांग रचना शुरू हो जाता है। और नहीं तो क्या, सारा दिन अपने सफेद केश को ही संवारती रहती है। बैजू बेटा, तू अपनी बूढ़ी माँ का भरोसा कर। मैं तो अपनी तरफ से भरसक कामकाज किए देती हूँ। मेरे टखनों में इतना बल नहीं बचा कि मैं बहू की तरह एकदम फुर्तीली होकर काम करूँ। अरे माँ, मैं अंधा नहीं, सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ कि कौन काम करता है और कौन आराम। बेचारी मेरी बीवी बेला की सूरत ही बता देती है कि उसको सारा दिन चैन नहीं होता। आपने उसको बहू से बाई बनाकर रख दिया है और इस बढ़ते बुढ़ापे में भी आप उसे सास का सताव दे रही हैं। बस माँ, अब आप अपना ठिकाना कहीं और खोज लीजिए। आज हम दो दंपति हैं, मगर कुछ ही महीने में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अगर आपका पेट भरता रहूंगा तो मैं अपने बच्चे के भावी भविष्य के लिए कुछ भी जोड़ बटोर नहीं पाऊंगा। मगर बैजू बेटा, ये तो सोच कि इस बढ़ते बुढ़ापे में तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी। अरे ओ सासू माँ, ये मगरमच्छ के टैसुई बहाना बंद कीजिए। सैकड़ों वृद्धाश्रम है, कहीं भी जाओ। बूढ़ी कुंतल रोते बिलखते अपनी गठरी लिए सड़क की ओर अग्रसर होने लगती है। तभी सुनसान सड़क के बीचों बीच उसे एक औरत दिखाई देती है जो सिर से पांव तक सुनहरा पहनावा पहने होती है। अरे ये तो कोई जादूगरनी जान पड़ती है, ये तो बड़ी ही जख्मी है, मुझे इसकी सहायता करनी होगी। कुंतल उसके पास बिखरे चौरस पत्ते का डोंगा बनाकर नदी से पानी लाकर जादूगरनी को पिलाती है। ये तो फिर बेहोश हो गई, मुझे इसके जख्मों पर मरहम पट्टी करना होगा। कुंतल को जड़ी बूटियों का बड़ा अनुभव था। जंगल के पेड़ों पत्तियों से लेप बनाकर जादूगरनी के जख्मों पर जैसे लगाती है कि कुछ ही देर के बाद जादूगरनी बेहोशी से बाहर आ जाती है। बूढ़ी अम्मा, क्या तुमने मेरी जान बचाई? तुम यहाँ बोझिल बदहाल अवस्था में पड़ी हुई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बूढ़ी माँ। अरे बूढ़ी माँ, तुम्हारे केश तो बड़े लंबे और कपास की तरह चमक रहे हैं। हाँ, एक समय में मेरे बाल बेहद काले, घने और लंबे हुआ करते थे, मगर फिर बुढ़ापे के साथ सारे बाल सफेद हो गए। जादूगरनी कुंतल के सुंदर सफेद बालों पर जैसे ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है, कुंतल के बाल सिर से पांव तक लंबे सुनहरे बालों में सराबोर हो जाते हैं। ये कैसे किया तुमने? मैं एक जादूगरनी हूँ, ये सुनहरे बाल जादुई हैं। अब आप इससे जो भी मांग करेंगी, आपके जादुई सोने के बाल उसे पूरा करेंगे। मगर याद रखना, आपके सुनहरे बालों की सीमा है। जिस पलछिन आपके बाल पहले की भांति श्वेत होना शुरू हो जाएं, उसके बाद आप अपने सुनहरे बालों से कुछ भी मत मांगना, वरना आपकी जान पर भी बन सकती है। ये कहकर जादूगरनी वहां से चली जाती है और कुंतल अपने सुनहरे बालों को आहें भरकर निहारती है। ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, क्या तुम मुझ बुढ़िया को खाना दे सकते हो? कुंतल के इतना कहते ही उसके सोने के बालों से 56 भोग का भंडार चकाचौंध चमक के साथ प्रकाशित होता है। बरसों अरसों बाद मुझ बेबस बुढ़िया के भाग्य में ऐसा भोजन मिला है। कुंतल भरपेट खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही सप्ताह भर होने को आ जाता है और कुंतल कहती है, न जाने क्यों आज मुझे मेरे बेटे बैजू की याद आ रही है, अब मुझे घर लौट जाना चाहिए। ये कहकर कुंतल अपने घर लौट आती है, जहाँ कुंतल के सुनहरे बाल देखकर बैजू और बेला की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। माँ जी, ये आपके केश सुनहरे सोने की जैसे चमक रहे हैं, कौन सा कलर कराया है? अरे कोई रंग नहीं, बल्कि तेरे सास के खरे सोने के सुनहरे बाल हैं, जो मुझे एक जादूगरनी के वरदान से मिले हैं। माँ, कहीं तुम हमारे संग कोई स्वांग तो नहीं रचा रही?
सच सच बताओ। लगता है तुम दोनों को ऐसे विश्वास नहीं होगा, मेरी जादुई सुनहरे बाल इसी पल छिन सोने के सिक्के दो। कुंतल के इतना कहते ही उसके सुनहरे बालों से सैकड़ों चमचमाते सोने के सिक्कों की बौछार लग जाती है, जिसे देखकर बेला बोलती है, अरे सासुमा, लगता है वो सोने पर सुहागा होने का कहावत आपके सुनहरे बाल पर ही बनी है। अरे अब तो हमारे घर की सारी गरीबी बदहाली दूर हो जाएगी। क्यों नहीं, मैं भी चाहती हूँ मेरा आने वाला पोता या पोती ऐशो आराम से जीवन जिए। बैजू, ये सारे सोने के सिक्के ले जाकर इनका सुनार के हाथों सौदा कराओ। बैजू सारे सिक्के बेचकर उनसे मिले पैसे से अपने घर की काया पलट कर देता है। एक रात दोनों दंपत्ति बातें करते हुए कहते हैं, अजी सासुमा के सुनहरे बाल ने तो हमें सप्ताह भर के भीतर ही फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। हाँ भाग्यवान, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी। सही है, अब मुझे बिना मेहनत के सब कुछ माँ के सुनहरे बालों से ही मिल जाएगा। अगली सुबह बेला अपनी सास के पास आकर कहती है, सासुमा मेरे पास एक भी सोने के गहने नहीं बचे, अपने सुनहरे बालों से बोलकर मेरे लिए एक आधे गहने दिलवा दीजिए। ठीक है बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हे मेरे जादुई सुनहरे बालों, इसी पल छिन मुझे मेरी बहू के लिए सोने के सुंदर गहने दो। कुंतल के इतना कहते ही उसके सुनहरे सुंदर केश से अनेकों सोने के सांचे में ढले सुंदर गहने बाहर निकलते हैं। सासुमा, आपके ये सुनहरे बाल तो सिर्फ आपका ही स्वर शब्द सुनते हैं, खैर इन गहनों के लिए आपका शुक्रिया। ऐसे ही दिन सप्ताह सप्ताह महीने के मंजर में गुजरता चला जाता है। बैजू अलबेला कुंतल के सुनहरे बालों से प्रत्येक दिन अपना स्वार्थ साधते हुए कभी उसके बालों से सोने के सिक्कों की मांग करता तो कभी कुछ, जिसे कुंतल के केश जादूगरनी के कहे अनुसार सफेद होने लगते। फिर एक सांझ, माँ मुझे व्यवसाय के लिए कुछ पैसे चाहिए, अपने सुंदर बालों से अपने बेटे की मदद कर दीजिए। बेटा, मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, अगर मैंने अपने सुनहरे बालों से असीमित जादू की मांग की तो ये मेरे खातिर जोखिम होगा। माँ, अपने बेटे के लिए आप जरा सा भी जोखिम नहीं उठा सकती, अरे कुछ ही तो सिक्के देने हैं। ठीक है, ए मेरे जादुई सुनहरे बाल, मुझे सुनहरे सोने के सिक्के दो। कुंतल के सुनहरे केश से जैसे जैसे सोने के सिक्के बरसते हैं, उसके बाल सफेद होकर सिर के अंतिम छोर पर पहुंच जाते हैं। उस रात दोनों दंपत्ति कहते हैं, अरे तुम्हारे कहने पर मैंने माँ से सोने के सिक्के मांग तो लिए, लेकिन सचमुच उनके बाल आधे से भी ज्यादा सफेद हो चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही तो जाएंगे ना। ऐसे भी सासुमा के सुनहरे बालों की बदौलत अब हमारे पास बड़ा घर बार, इतना सारा सोना पैसा सब कुछ तो हो चुका है, एक उनके चले जाने से क्या घट जाएगा। ये बोलकर बेला सो जाती है। अगली सुबह जब दोनों दंपत्ति की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को पुनः उसी घनघोर गरीबी में पाते हैं और कुंतल दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अरे तुम्हारे भड़कावे में आकर मैंने अपनी माँ से सोने की मांग की, जिस कारण मेरी माँ आज आंखें मूंद चुकी है, यही मेरी सजा है। कुंतल ने अपनी आखिरी सांस तक अपने सुनहरे बालों से अपने बेटे और बहू की बतौर बड़ी मदद की, जिस कारण उसके जीवन की नैया डूब गई और उसकी मौत के साथ जादूगरनी का जादू भी टूट गया और दोनों दंपत्ति पुनः घनघोर गरीबी से जूझने लगे। अपना स्वार्थ साधने के लिए उन्होंने कुंतल की सांसें दांव पर लगा दी, बजाय इसके भी उनसे सब कुछ छीन गया। शायद ये ईश्वर का प्रकोप या नियति का न्याय था। गरीब सास बहू अमीर सास बहू। एक जगनपुर के छोटे से गांव में दो परिवार रहा करते थे, एक परिवार गरीब था और एक परिवार अमीर था। दोनों परिवारों में शादी का माहौल होता है और दोनों के घर में बहू आती है। अमीर के घर अमीर बहू आती है और गरीब के घर गरीब बहू आती है। अमीर की बहू ढेर सारा दहेज लेकर आती है, तो वहीं गरीब की बहू अपने साथ दहेज में कुछ भी नहीं लाती। अरे वाह बहू, क्या बात है, तेरी माँ ने तो तुझे सोने से लाद के भेजा है। अरे इतने सोने के जेवर पहन कर तो तू पूरी चंद्रमुखी लग रही है। अरे ये सब तो करना ही था, क्योंकि मेरे पिताजी शहर के क्लर्क जो हैं, अब अपनी बेटी की शादी में पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर किसकी शादी में लगाएंगे। सोनम की सास आशा उससे बहुत खुश होती है,
लेकिन सोनम थोड़ी घमंडी भी होती है क्योंकि वो दहेज में ढेर सारा सामान लेकर आती है, गाड़ी, सोफा, स्मार्ट एलईडी टीवी और भी बहुत कुछ। वहीं दूसरी तरफ उनके ही सामने गरीब घर की बहू अपने घर से केवल अपने दो जोड़ी कपड़े लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी सास सावित्री कहती है, अरे ये क्या, इसके माँ बाप इतने गरीब हैं कि इसे केवल दो जोड़ी कपड़े में ही भेज दिया। हे भगवान, हमारे तो भाग्य ही फूट गए इस लड़की से अपनी बेटे की शादी करवा कर। माँ जी, आपको दहेज की क्या जरूरत है, आपके घर में तो पहले से ही इतना सामान है। अरे कल मुँह ही मेरे भरे पूरे घर को नजर मत लगा, बड़ी मुश्किल से मैंने जोड़ा है। शादी के पहले दिन पर ही पूजा को अपनी सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती। अगले दिन से पूजा अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है और घर के सभी काम शुरू कर देती है, जिसके बाद वो नाश्ता बनाकर अपनी सास सावित्री को बुलाने के लिए जाती है। माँ जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। हाय हाय, हे भगवान, अरे मैं नाश्ता करने नहीं आ सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा नाश्ता यहीं लेकर आ जा। सावित्री के कहने पर पूजा उसके लिए नाश्ता तैयार करके उसके कमरे में ले आती है, जिसके बाद जैसे ही सावित्री नाश्ते का पहला निवाला खाती है, वो उसे अपने मुंह से जमीन पर थूक देती है और पूजा से कहती है, अरे करमजली मनहूस कहीं की, ये कैसा नाश्ता बनाया है तूने? अरे ऐसा नाश्ता बनाकर मारेगी क्या तू हमें? लेकिन माँ जी, मैंने तो खाना सही से बनाया था, फिर आपको पसंद क्यों नहीं आया? अच्छा, तो इसका मतलब तू मुझे झूठा साबित करना चाहती है? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर सावित्री पूजा के बाल पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमीर घर की बहू सोनम अपने बिस्तर पर अपने पति के साथ आराम से सो रही थी, तभी उसका पति राजवीर उससे कहता है, अरे डार्लिंग, सुबह के 11 बज गए हैं, चलो अब उठ जाओ। नहीं नहीं, मुझे भी थोड़ा और सोना है, शादी के फंक्शन की वजह से मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो। सोनम ऐसा कहकर दोबारा सो जाती है, जिसके बाद वो दोपहर में उठती है और अच्छे से तैयार होकर अपनी सास के पास जाती है। अरे बहू, तू इतनी जल्दी उठ गई? अरे इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, अभी तो तू आराम कर, आज पता है ना तुझे तेरी मुंह दिखाई की रस्म है, शाम को इतने सारे मेहमान आएंगे तो उनके बीच थक जाएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कहती हो, मुझे थोड़ा और आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि शाम को मुझे बहुत सारा मेकअप करके सबके साथ बैठना होगा और फिर मेरा लहंगा भी बहुत भारी है, मैं तो उसे संभाल कर परेशान हो जाऊंगी, आखिर चांदनी चौक की सबसे बड़ी दुकान से जो बनवाया है। ऐसा कहकर सोनम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। एक तरफ अमीर बहू इतना सारा दहेज लाकर पैर पसार कर आराम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब बहू पिटने के बाद भी घर के सभी काम करती है और अपनी सास की भी सेवा करती है। अरे ये क्या, मैं तो घर के काम करते करते गैस पर चढ़ाया हुआ दूध भूल गई, जल्दी से जाकर देखती हूँ कहीं निकल ना गया हो। जैसे ही पूजा रसोई में जाकर दूध देखती है, दूध पहले से ही निकल चुका था, वो तुरंत गैस बंद करती है, लेकिन तभी उसकी सास रसोई में आ जाती है और उससे कहती है, क्यों री कल मुही करम चली कहीं की, ये तूने क्या कर दिया? अरे तू यहाँ इस घर में नुकसान करने आई है, तेरी वजह से मेरा दूध खराब हो गया। वो माँ जी, अरे हकला क्यों रही है, ये सब तूने जानबूझकर किया, रुक तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। सावित्री तुरंत पूजा के बाल पकड़ लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारना शुरू कर देती है। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मुझे चोट लग रही है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए माँ जी, मुझे छोड़ दीजिए। जब तूने गलती की है तो तुझे उसकी सजा मिलकर ही रहेगी, आज तो मैं तेरा भूत उतार ही दूंगी। कुछ देर बाद सावित्री उसे छोड़ देती है, जिसके बाद पूजा के गालों पर थप्पड़ मारने के निशान छप जाते हैं और वो दर्द में रोने लगती है। हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा मुझे मिल रही है, अगर मेरा गरीब होना इतना ही बुरा था तो तूने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, क्या तू मुझे किसी अमीर घर की बेटी नहीं बना सकता था? बेचारी पूजा रोती रहती है। वही शाम को सोनम अच्छे से तैयार होकर अपनी सास आशा के पास जाती है और उससे कहती है, बताइए माँ जी, कैसी लग रही है आपकी बहू? अरे मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है, ऐसी बहू तो पूरे मोहल्ले में किसी की नहीं होगी। चल बहू, सभी मेहमान तेरा इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी मुंह दिखाई है, सभी तेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं।
अरे पिता क्लर्क है तो पूरा मन भर के दहेज लेकर आई है मेरी बहू। हमारे मोहल्ले में तो अभी तक इतना दहेज किसी की बहू नहीं लेकर आई है। अरे अब सामने सावित्री बहन की बहू को ही देख लो, इतनी गरीब है कि बेचारी सिर्फ दो जोड़ी कपड़े ही लेकर आई है। सावित्री वहाँ खड़ी होकर ये सब सुनती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। जैसे ही उनका फंक्शन खत्म होता है, सावित्री वापस अपने घर लौट आती है। अरे पूजा कहाँ मर गई? मर ही जाए तो अच्छा ही है, कम से कम अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा पाऊंगी। तभी वहाँ पर पूजा पहुँच जाती है और अपनी सास की ये बात सुनकर कहती है, माँ जी मैं आपको अपनी माँ की तरह समझती हूँ और आप मेरे मरने की दुआ मांग रही हो। अरे मुझे जवाब देती है, तू मेरे घर में अब नहीं रह सकती, अभी के अभी मेरा घर छोड़कर चली जा। सावित्री पूजा को धक्के मार के घर से निकाल देती है। बेचारी पूजा हाथ जोड़ती रह जाती है, लेकिन सावित्री को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता, जिसके बाद पूजा वापस अपने गरीब माता पिता के पास चली जाती है। वहीं कुछ ही दिनों बाद अमीर घर की बहू सोनम अपनी सास के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगती है और उसे एक दिन घर से निकालते हुए कहती है, माँ जी अब आप मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं अपने पति के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए आप गांव लौट जाओ। बहू मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत कर, मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मेरे ऊपर रहम कर। सोनम उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। एक तरफ आशा बैग लेकर जा रही थी तो दूसरी तरफ सावित्री सब्जी मंडी से आ रही थी, जिसके बाद वो आशा को देखकर उसके हाल के बारे में पूछती है। आशा उसे अपनी बहू के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है। पूजा ने तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने ही उसके ऊपर कितने अत्याचार किए, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पूजा को वापस लेकर आना चाहिए। सावित्री उसी दिन अपनी बहू पूजा को घर ले आती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जिंदगी में पैसा कभी किसी का नहीं होता, आज आपके पास है तो कल मेरे पास होगा, इसलिए पैसों से ज्यादा इंसानों को अहमियत दीजिए, क्योंकि वक्त आने पर वही आपके काम आते हैं। सरोज के 5 बेटे थे, युवान, मिहिर, संजय, विकास, प्रीतम। कुछ महीनों से उसके बेटे का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए पंडित के द्वारा बताए उपाय से वो अपने 5 बेटों को ग्वालियर के एक प्राचीन मंदिर में भेज देती है, जिसके बाद पंडित का कहना था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 बेटे जब घर लौटते हैं तो वो अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। ये देखकर सरोज बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, बेटा व्हाट इज दिस, तुम 5 उपाय के लिए गए थे या मैरिज करने के लिए? तुम मेरे बगैर मर्जी के शादी कैसे कर सकते हो? हाउ? माँ उस गांव के हालात ऐसे थे कि हम 5 को उस गांव की 5 लड़कियों से शादी करनी पड़ी, और अब तो ये सदा के लिए आपकी बहू बन चुकी हैं। जहाँ तक मुझे देखकर लग रहा है ये 5 गांव की गवार हैं। क्यों है ना, ये तो तुम 5 के बराबर पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी। हाँ माँ ये इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि ये गांव में ही रही है, शुरू से इनके माँ बाप ने कहा कि ये काम करने में बहुत अव्वल है। ओह गॉड, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस पंडित की बात मान ली, मुझे तो लगता है पहले से ज्यादा बुरा होगा मेरे साथ। अरे युवान जी, ये सासू माँ क्या खिटर पिटर कर रही हैं? हाँ जेठ जी, ये सासू माँ का बोलत है? हम 5 भाइयों ने तुम 5 बहनों से अचानक से शादी कर ली है, इसलिए वो थोड़ी हैरान हो गई हैं। ओ ऐसन का? माँ जी आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम तुहार 5-5 बहू तुहार खूब ख्याल रखी। आई सासू माँ जरा हमको आशीर्वाद तो दियो, हम तुहार तीसरे मुन्ना की मुन्नी है। ओ माई गॉड, अभी हमारे घर में कहां से मुन्ना मुन्नी आ गए बेटा, ये क्या बोल रही हैं 5, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ ये मेरी पत्नी है मिश्री, जो आपके अभी पैर छूना चाहती है, ये बोलना चाहती थी कि मैं आपके तीसरे बेटे की बहू हूँ। अच्छा ऐसा क्या बेटा, ये मेरे टाइप की बहू नहीं है, मैं कहां शहर में रहने वाली एकदम मॉडल हूँ, और ये गाँव की गवार, इन्हें मेरी बात समझ आएगी ना तो मुझे इनकी। माँ फिकर मत करो, समय के साथ 5 आपके ही सांचे में ढल जाएंगी, आप इन्हें सिखाने की कोशिश जरूर करना, ये मेरी पत्नी है माँ, देखो तो जरा कितनी सुंदर है कल्पना। हाँ हाँ बहुत ब्यूटीफुल बहू है मेरी, जाओ जाकर आराम करो, सफर से थक गए होंगे। सफर से थक कर सभी आराम करते हैं। शाम को उसकी 5 बहुएं उसके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी प्रणाम। माँ जी रसोई घर कहाँ है जहाँ खाना पकता है? आज हम सबकी पहली रसोई है ना, तो बताइए।
हाँ सासू माँ, आज आपके लिए हम मीठे में बहुत कुछ बनाने वाले हैं। देखो मैं मीठा नहीं खाती हूँ, और खाती हूँ तो शुगर फ्री खाती हूँ, तो जो भी बनाओ कम शुगर डालकर बनाना। ओहो गवार हो तुम तो, मेरा मतलब कम चीनी डालना। ओके लो सुन लो, माँ जी शहर की है ना, इसलिए वो कम चीनी वाली चीज खाएंगी। चलो मैं किचन दिखा देती हूँ। आ सासू माँ, ये किचन का होता है। ओफो चलो रसोई में ले चलती हूँ तुम्हें। ये कहते ही सरोज अपनी पांचों गवार बहुओं को रसोई में ले आती है, जिन्हें शहर के तौर तरीकों से रहना बिल्कुल भी नहीं आता था। ये लो ये है रसोई, इस गैस पर खाना बनता है, इतना तो पता है ना, और वो रहे सारे डिब्बे, उसमें सारे मसाले और जो भी तुम्हें बनाना है वो सब है। माँ जी वो सब तो ठीक है, पर ये लकड़ी और मिट्टी तेल कहाँ है? इस पर खाना बनाने के लिए वो तो चाहिए होगा ना। ओफो अकल की गई गुजरी, मेरे घर को मिट्टी के तेल से जलाएगी क्या? कान खोल कर पांचों की पांचों सुन लो, तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो, और ये इलेक्ट्रिसिटी गैस अपने आप जल जाती है, ये देखो ऐसे। ये कहते ही सरोज उन्हें गैस स्टोव जलाकर दिखाती है, जिसे देखकर उसकी बहुएं कहती हैं, उड़ी बाबा ये का, माँ जी आप तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली, एक पलक झपकाई और इतने में ही आपने ये ससुरा चूल्हा जला दिया। ओ माई गॉड, ये जो तुम भाषा बोलती हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अब चुपचाप से खाना बना लो, जो भी तुम पांचों को बनाना है। माँ जी आप परेशान मत हो, वो बड़े वाला टीवी में नाटक देख लो, हम पांचों अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लावत हैं। ये सुनकर सरोज चली जाती है, तभी उसकी राखी आकर कहती है, सुनिए सासू माँ, उका है ना, हमको आपके लिए धनिया पुदीना का चटनी बनाना है, तो हमका जरा वो सिलबट्टा तो दे दो, वही पीसने वाला ना। अरे ओहो इधर आओ मैं बताती हूँ चटनी किससे बनानी है। ये कहकर सरोज रसोई में पांचों को ग्राइंडर मशीन दिखा देती है और बता देती है, लेकिन जब राखी उस चटनी को बनाने के लिए मशीन का बटन दबाती है तो सारी हरी धनिया की चटनी उन पांचों बहू की आंखों में और पूरी रसोई में फैल जाती है, जिसके बाद पांचों चिल्लाती है, माँ जी माँ जी माँ जी बचाइए, माँ जी हमारी आंखों में मिर्ची घुस गवा या, अरे हमको जल्दी बचाई। पांच बहुओं की चीख से पूरा घर चिल्ला उठता है, तभी सरोज उनके पास आती है और अपनी रसोई की हालत देखकर कहती है, अरे मैया ये मेरी ब्यूटीफुल किचन का इन्होंने क्या हाल कर दिया, जरा भी मैनर्स नहीं है मेरी बहुओं को, गवार कहीं की, कुछ चलाना ही नहीं आता है तुम्हें, फिर से पेंट कराना पड़ेगा पूरी रसोई को। आ सासु माम पांचों को आप बाद में डांट लेना, हमारी मिर्ची को भगाओ। ये सुनते ही सरोज अपनी बहुओं को बाथरूम में ले जाती है और शावर के नीचे खड़ा कर देती है, जिसके बाद उनकी आंखों की जलन कम होती है और बहुएं कहती हैं, शुक्रिया माँ जी आपकी वजह से हम पांचों की अखियां ना बच गईं, वरना हम तो अपने सजना को देख ही नहीं पाती। अरे सासू माँ आपने तो फिर से जादू कर दिया, ये बारिश देखो हम पर कैसे आ रही है, बिना बादल के बारिश का मजा आ रहा है यहाँ तो। अरे मेरी गवार बहुओं ये बादल या कोई जादू नहीं, यहाँ पर नहाते हैं। वक्त बीतता है, सरोज उन्हें जितना मॉडर्न बनाने का सोचती है उतनी ही अपनी बहुओं की गवार हरकत देखकर उन्हें समझाकर हताश हो जाती है। एक दिन घर में लाइट चली गई तो मिश्री कहती है, माँ जी घर की बत्ती गुल हुई गवा, आप जरा हमको लालटेन या मोमबत्ती तो दे दो। अरे ओ अकल की पुड़िया, अपने सामने वाला बटन दबा लाइट आ जाएगी, लालटेन की जरूरत नहीं है, हमारे घर में इन्वर्टर है। अपनी सास की बात सुनकर वो बटन दबा देती है और लाइट आ जाती है। अरे मैया जादू से बत्ती आ गई, सासू माँ ई इन बटर खटर का होता है। ओहो वो इन्वर्टर होता है, खटर पटर नहीं, इन्वर्टर से बत्ती आ जाती है जब तक कॉलोनी की लाइट गई होती है। अगले दिन सरोज कहती है, तुम पांचों बहुओं की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है, अब से तुम मेरी तरह कपड़े पहनोगी बिल्कुल स्टाइलिश, ये 6 मीटर की थान नहीं लपेटोगी। पर माँ जी मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब सरोज उन पांचों को मॉल से फैशनेबल कपड़े दिलाती है, साथ ही पार्लर जाकर उनका मेकओवर करवाती है, जिसके बाद पांचों हूबहू सास की तरह दिखती हैं। ओ माय गॉड अब लग रही हो तुम पांचों मेरी बहू। जैसे ही कश्मीरा हील पहनकर चलकर आती है तो गिर जाती, जिसके बाद सरोज कहती है, लगता है तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकती। माँ जी हमें बहुत शर्म आवत है, इस कपड़ा माँ ये बहुत छोटे हैं, जैसे किसी बछुआ के कपड़े पहनत हो। लाख कोशिश के बाद भी सरोज की बहू अपने रंग में ही रहती हैं। अपनी देसी बहुओं के साथ रहते रहते सरोज भी अपनी बहुओं की तरह देसी सास बन जाती है, जो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर न बैठकर जमीन पर बैठकर अपने हाथों से खाना खाती है और उनकी भाषा ही बोलने लगती है।
अरे मैया, ई कहा है बहू, ई तो बड़ा स्वादिष्ट है। सासू माँ, ई लिट्टी चोखा है, हमरे गांव में सबसे ऊका कहते हैं स्पेशल डिश। लिट्टी चोखा वेरी वेरी टेस्टी बहू। इस तरह सरोज अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी उनकी तरह ही रहने लगती है। टीचर बहू स्टूडेंट सास। जहां देश आगे बढ़ रहा है, आज भी कई ऐसे गांव हैं जो विकास और सोच में पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गांव है सहरसा, जहां ना तो कोई विद्यालय है, ना ही शौचालय, ना ही कोई विकास, क्योंकि सरपंच की सोच ही ऐसी है। चलिए एक नजर उनकी सोच पर डालते हैं। अरे औरतों के कदम घर में शोभा देते हैं, समय के साथ साथ सभी शहरी बेशरम की हदें पार किए जा रही हैं। बहुओं को बाहर कामकाज करने पर भेजते हैं। ससुर के नाती जानते नहीं कि बहू बेटियां पतंग की जैसी होती हैं, जरा सी ढील दे दो तो हाथों से छूटने की कोशिश करती हैं। सरपंच जी, मेरे हिसाब से तो आपकी सोच सरासर गलत है। अरे ऐसा किस वेद पुराण में लिखा है कि बहुओं को बेड़ियों में बांध कर रखो? शायद आपके इसी सोच के चलते हमारा गांव सहरसा सारे गांव से पीछे छूटता जा रहा है। ये है कमला, जिसने शिक्षा के एक शब्द नहीं पढ़े, मगर उसकी सोच बोझ और सोच गांव में सबसे भिन्न है। शायद इसी सोच के मारे उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया था। एक सांझ जुगल शिक्षा के साथ गांव लौटता है। माँ माँ, ये शिक्षा है। अरे तू इतने सहमे स्वर में क्यों बोल रहा है? शिक्षा के गले में पड़ा मंगल सूत्र और मांग में पड़ा सिंदूर साफ तौर से बयां कर रहा है कि ये मेरी बहू है। आपको हमारी शादी से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरे इस गवारों के गांव में शहर से शिक्षा आई है। शिक्षा अपनी सास का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद वो तीनों हंसी खुशी रहना शुरू करते हैं। देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है, फिर एक शाम। सासू माँ, सारा दिन आप एकदम खाली रहती हैं? बहू, सारा काम तो तू ही कर देती है, जिस कारणवश तेरी सास के पास घुइयां छीलने का भी काम नहीं। माँ जी, आप पढ़ना क्यों नहीं शुरू कर दी? अरे शिक्षा बहू, बौरा गई है क्या? इस बुढ़ापे में मैं भला पढ़ लिख कर क्या करूंगी? सासू माँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। अपने बीए पढ़ी हुई बहू का फायदा उठाइए। अगर आप पढ़ेंगी तो आपकी देखा देखी गांव की औरत भी पढ़ाई के प्रति रुचि रखेंगी। हम दोनों सास बहू के इस शुरुआत से इस गांव में बड़ा बदलाव आ सकता है। ठीक है मेरी टीचर बहू, अब से तू मेरी टीचर, मैं तेरी स्टूडेंट। कमला स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू शिक्षा से प्रत्येक सांझ पढ़ने लगती है, मगर जल्द ही इस बात से पूरे सहरसा गांव में सनसनी मच जाती है। कहीं औरतों की मंडली में बातें बनती हैं, तो कहीं मर्दों के बीच। एक शाम जब दोनों सास बहू बाजार की ओर अग्रसर हो रही थीं, तो चंदा और झुमरी उन्हें रोक कर कहती हैं, कहाँ जा रही है ये टीचर बहू और स्टूडेंट सास की सवारी? तनिक हम दिनों औरतन को भी स्वर व्यंजन का पाठ पढ़ाई दो बबुनी। शिक्षा झुमरी के स्वांग में आकर कहती है, हाँ हाँ झुमरी मौसी, क्यों नहीं, आप भी कल शाम को मेरे घर आ जाइएगा, मैं सासू माँ के साथ आपको भी पढ़ा दूंगी। धत्तेरे की, बंद कर आपन बकैती। अरे कैसन सास है तू कमला, कहाँ तो के आपन बहुरिया पर ससुराल के शासन का दबदबा बनावल चाहत रहे, तू स्टूडेंट बनकर पढ़ाई के पाठ पढ़त है, शर्म नहीं आवत है? अरे जो करे शर्म उसके फूटे करम। अरे मैं तो कहती हूँ तुम सब भी पढ़ना शुरू कर दो। चल झुमरी, हमें नहीं पढ़ना कोई पाठ, सरपंच जी को खबर लग गई ना, सांस लेने पर आफत कर देंगे। सप्ताह भर के भीतर ही ये खबर सरपंच के पास पहुंचती है। अरे क्या हुआ रामुआ, तेरा मुंह कद्दू के जैसा काहे लटका है? इस सरपंच जी, कमला की बहू शिक्षा टीचर बनकर अपनी सास को पढ़ाई लिखाई में ट्रेंड कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कल को हम सभी की मेहरियां भी कहीं शिक्षा आंदोलन न कर दें। शिक्षा का संक्षेपण सुनकर सरपंच का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सारे गांव समेत सास बहू के पास आता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कमला, तुम अपनी बहू से पढ़ रही हो? अब मेरी बहू बीए पढ़ी लिखी है और मैं अंगूठा छाप, इसलिए वो अपने सास को पढ़ा कर काया पलट कर रही है। अरे तुम्हारी बेशर्म बहू की बदौलत अगर गांव की किसी भी दुगाई ने बगावत की तो भला नहीं होगा, इसलिए बंद करो ये। सरपंच जी, वो प्रचार नहीं सुना क्या आपने?
पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सप्ताह भर के भीतर ये पढ़ाई लिखाई बंद नहीं की तो तुम दोनों सास बहू को उठाकर गांव की सीमा से बाहर फेंक दूंगा। सरपंच जी, आपके खोखले धमकियों से हम सास बहू नहीं डरने वाली, चाहे तो आप अपने एड़ी चोटी का जोर आजमा कर भी देख लीजिए। सास बहू के हौसले के सामने सरपंच के स्वर फीके पड़ जाते हैं और वो थक हार कर वहाँ से चला जाता है। इधर कमला रोजाना स्टूडेंट बनकर अपनी टीचर बहू से पढ़ाई की ट्रेनिंग लेने लगी थी। वेरी गुड माँ जी, आपने दो दिन में ही संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण भी सीख लिया। अब एक उदाहरण देकर जरा मुझे क्रिया विशेषण समझाइए। ठीक है बहू। झुमरी झूम झूम कर सारे गांव में सास बहू की पढ़ाई की खबर फैलाती है। इसमें विशेषण है झुमरी का झूमर और क्रिया है खबर फैलाना। वाह मेरी स्टूडेंट सासू माँ, क्या सॉलिड एग्जाम्पल दिया है। वह दिन दूर नहीं जब तेरी सास पटर पटर अंग्रेजी के शब्द भी बोलेगी। कमला की पढ़ाई में बड़ी रुचि और बदली बेहतरता को देखकर कल तक जो औरतें अपनी पूरी बोलबाले से उसे नीचे दिखाती थी, आज वो सास की सराहना करते नहीं थक रही थी। चंदा लगता है हम बुरबकिए कर दीस। अरे कमला गोरी मेम के जैसे अंग्रेजी छाटे लागल है। अब तो हमरा भी मन करता है कि कमला बहू की शिक्षा की आड़ी बाड़ी में दाखिला ले ले। बेबाग भी अकल लुगाई, आड़ी बाड़ी में बच्चन पढ़ते हैं, शिक्षा की ट्रेनिंग टीचर कहते हैं। दोनों सास बहू शिक्षा के पास आकर पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि जाहिर करती हैं। अरे शिक्षा बहू, हम दोनों को भी पढ़ा दे। हाँ बहू, आज हमके बुझा गईल कि जीवन माँ शिक्षा का मूल सर्वोपरि है। तुम दोनों फिर से कोई स्वैंग तो नहीं रचा रही। अरे शिक्षा की देवी सरस्वती की सौगंध हम पढ़े के चाहत है। हम कल रेडियो प्रसारण पर सुने रहे कि शिक्षा ही सफलता की सीढ़ी है। शिक्षा सच्ची लगन से तीनों को पढ़ाने लगती है। ऐसे कि कुछ दिन बीतते हैं, फिर एक रोज झुमरी को जाता देख उसका पति रमुआ कहता है, अरे झुमरी इतना झूम झूम कर कहाँ जाते हैं? अरे हम कमला के पतोहू के पास पढ़े जाते हैं। ये सुनकर रमुआ गुस्से से बिलबिलाते हुए कहता है, अरे का बोलत है ससुरी, तोके भी वो कल मुही कमला के जैसन पाठ पढ़े के खुमारी चढ़त है रे। तेरे कदम दहलीज से बाहर पड़े तो काट कर बोरी में भर दूंगा। बस अरे हम औरत हैं तो हर हाथ के कठपुतली नहीं जो जब चाहे जैसन चाहे नचाओगे। बहुत बकैती सीख गई है तू। आज तोके दो मैं से एक को चुने नहीं पड़ी, तोरे खातिर पढ़ाई जरूरी है कि पति। अरे एक औरत के आपन कोनो खुशी नहीं होते का? पहले मायके के मान मर्यादा, फिर ब्याह के बाद ससुराल और सास के शासन और अंत में पति के प्रतारण। हर जन उके पिंजरा में कैद करे चाहत है, का औरत के उड़ान भरे का हक नहीं? झुमरी का सच्चा संक्षेपण रमुआ को चुप्पी साधने पर मजबूर कर देता है। अब धीरे धीरे गांव की सभी सास स्टूडेंट बनकर शिक्षा से पढ़ लिख कर सही फैसले लेना सीख जाती है, जिसे देख सरपंच सभी को सभा में बुलाता है। शिक्षा, मैं तुम्हारे हौसले की सराहना करता हूँ। तुमने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि इस पिछड़े गांव समेत पतियों के पर भी काट कर रख दिए। मैं कुछ समझी नहीं सरपंच जी। सहरसा में तुम्हारे आने से पहले मुझ सरपंच के पास आए दिन गांव के दंपति के कलेशों का दुखड़ा धंधा आता था, मगर सचमुच ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि गांव की सभी औरतों के शब्द सयानों में हो गए हैं। साथ ही उनका पतियों का झूठा पुरुषार्थ भी जड़ से खत्म हो गया है। अब सहरसा गांव में विद्यालय होगा जहां की टीचर तुम होगी शिक्षा। ये खुशखबरी सुनकर गांव की सभी स्टूडेंट सास से लेकर उनकी बहू स्टूडेंट भी शिक्षा को बधाई देती है। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव अचानक नहीं आता, उसके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है, जो शिक्षा और उसकी सास ने किया था, जिसके चलते आज अब तक कल का पिछड़ा हुआ सहरसा आज पढ़े लिखे की श्रेणी में शुमार है। सौतेली गोरी बहन का अत्याचार। अरे भगवान के लिए आंखें खोल दो सरिता, तुम मुझे यूं बीच मझधार में छोड़कर अकेला नहीं जा सकती। बैजू भाई संभालो खुद को, तुम्हारे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, सरिता इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। बैजू अपनी पत्नी सरिता के शव पर माथा धरे रो रहा है। सरिता और बैजू की बेटी सांवली संध्या मात्र 6 माह की है। सरिता का दाह संस्कार कर देता है
एक सप्ताह बाद। अरे भरसक कोशिश के बावजूद भी मैं संध्या को नहीं संभाल पा रहा। शायद संध्या को माँ के साई की जरूरत है। अपनी दुधमुही बेटी के पालन लालन के लिए बैजू दूजा ब्याह रचा लेता है। साल भर के भीतर ही उसकी पत्नी कामिनी भी एक बेटी को जन्म देती है। तभी बैजू कहता है, अरे बधाई हो संध्या, बिटिया तू बचकाने में ही बड़ी दीदी बन गई। खबरदार जो अपनी इस काली कलूटी बेटी की परछाई भी मेरी सुंदर गोरी बेटी के इर्द गिर्द ही लाने की कोशिश की तो खैर नहीं है। कामिनी ये कैसे कड़वे शब्दों का बाण चला रही हो? अरे संध्या हमारी संतान है। सिर्फ तुम्हारी संतान, मेरी तो सौतेली बेटी है। क्या पता इस काली की परछाई मेरी गोरी बेटी पर पड़ते ही उसका गोरापन कुमला गया तो? बीवी के बुरे बर्ताव से बैजू को बड़ा आघात पहुंचता है। उस रात बैजू अपनी बेटी संध्या के बारे में सोचते हुए गहरे सोब के सागर में डूब जाता है और बैजू की सांसें सदा के लिए थम जाती हैं। अब संध्या के सिर से पिता का साया भी सदा के लिए उठ जाता है। गुजरते समय के साथ 5 साल का पड़ाव संध्या पार कर जाती है। गौरी कितनी दफा कहा है ना कि इतनी देर दोपहरी धूप में मत खेला कर, वरना तेरा सुंदर गोरा रंग सांवला हो जाएगा। माँ क्या मेरा रंग भी संध्या दीदी के जितना ही काला पड़ जाएगा? हाँ गौरी, अगर तुम अपनी सौतेली काली बहन के साथ घुल मिल कर रहोगी तो तुम्हारा रंग भी काली स्याही की तरह हो जाएगा। कामिनी के कड़वे बोल गौरी के मन में उसकी सौतेली बड़ी बहन संध्या के प्रति घनघोर घृणा भर देती हैं, जिसके कारण गौरी संध्या से दूरियां साध लेती है। जहां कामिनी अपनी बेटी गौरी को सीने से सटा कर साथ सुलाती, वहीं बेचारी अनाथ संध्या रोते बिलखते जमीन को ही अपना बिछौना समझकर सो जाती। एक दिन, गौरी बिटिया ये देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। अरे माँ ये संतरी रंग का फ्रॉक तो बड़ा ही सुंदर है। माँ देखो ये काली कलूटी बैंगल नूटी संध्या मेरे कपड़ों को कैसे बुरी नजर से निहार रही है। गौरी तुम गुस्सा मत करो, मैं चली जाती हूँ। ये बोलकर संध्या वहाँ से चल देती है। गुजरते समय के साथ कामिनी अपनी बेटी गौरी को स्कूल में दाखिला दिलवा देती है। गौरी अब स्कूल जाने लगी थी। माँ मुझे भी स्कूल में दाखिला दिलवा दो, मेरा भी गौरी की तरह स्कूल जाने का पढ़ने लिखने का बड़ा मन करता है। अरे काला टीका, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी गोरी बेटी से अपनी तुलना करने की? न शक्ल है न सूरत, सर से पांव तक काले रंग में रंगी हुई है। अरे तुझे देखे ऐसा लगता जैसे तेरे शरीर पर काला कोड़ चढ़ा हुआ है। कामिनी के कटाक्ष बातों का बाण 7 साल की संध्या के दिल और दिमाग को बुरे तौर से भेजता है। कामिनी और उसकी बेटी का सौतेलापन पूरी गांव में सनसनीखेज मचा देता है और सभा में बैठे सरपंच कहते हैं, देखो कामिनी, बैजू ने तुमसे ब्याह अपनी बेटी की परवरिश के लिए किया था, मगर इस 7 साल की बच्ची के साथ तुम जो बुरे बर्ताव करती हो वो हम सभी जन से छिपा नहीं है। हम तुम्हें बैजू की बच्ची के पर नहीं काटने देंगे। ये बच्ची पढ़ना चाहती है। खबरदार जो तुम दोनों सौतेली माँ बेटी ने भावी भविष्य में इस बच्ची पर अपनी धौंस दोबारा आजमाई तो। सरपंच जी मैं कल सुबह ही संध्या को विद्यालय में दाखिला करवा दूंगी। घर आने पर गौरी अपने रूप का गुमान दिखाती हुई कहती है, माँ इस बात का पुख्ता प्रमाण पता चल गया कि ये संध्या सरासर मेरे सुंदर रूप से जलती है। गौरी के स्वर शब्द सुनकर क्रूर कामिनी संध्या पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाती है। मुझे मत मारो माँ, आह आह, और मारो माँ, इस काली की करहानी की आवाज सुनकर मेरे कानों को कितना सुकून मिल रहा है। विद्यालय जाने की इच्छा पूर्ति के लिए संध्या को अपनी माँ और सौतेली बहन का सताव सहने की परीक्षा को पार करना पड़ता है। सरपंच के खौफ से कामिनी संध्या के स्कूल में दाखिला करवा देती है। संध्या सच्ची लगन से अपनी पढ़ाई करती है। ऐसे ही दिन सप्ताह, सप्ताह महीने और महीने साल के मंजर में बदलते जाते हैं। संध्या और गौरी अब सयानी हो चुकी थी। दोनों बहनों की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। संध्या खुश मन से अपना अंक पत्र लेकर घर आती है। माँ मैंने पूरे विद्यालय में अव्वल दर्जे से 12वीं परीक्षा पास की है,
इस खुशी में मुझे छात्रवृत्ति भी मिली है माँ। संध्या की सफलता देखकर दोनों सौतेली माँ बेटी तिलमिला उठती हैं और गौरी बोलती है, तभी चुड़ैल आज स्कूल में इतना चहक रही थी, जरूर तेरी बुरी बला से मैं 12वीं में फेल हो गई। गौरी, तुम मेरी वजह से नहीं बल्कि पढ़ाई पर गौर ना करके फेल हुई हो, जबकि मैंने दिन रात एक कर दिया तब जाकर मैंने इस आसमानी अवधि को प्राप्त किया है। संध्या के स्वर शब्द सुनकर गौरी गुस्से से बिलबिलाते हुए अपनी सौतेली बहन के बाल पकड़कर अत्याचार करती हुई कहती है, कल मुंह ही अपनी बुलंदियों का बखान करके मुझे जला रही है। तेरा मुझसे कोई मेल नहीं है, कहां मेरा चांद सा सुंदर चेहरा, कहां तू अमावस की काली बेला। माँ, अगले एक हफ्ते तक मेरी सौतेली बहन को खाना मत देना। तेरा हुक्म सराख पर मेरी सुंदर बेटी। गौरी संध्या का हाथ पकड़कर उसे कोठरी में डाल देती है। ऐसे ही हर कुछ दिनों पर संध्या को अपनी गौरी सौतेली बहन का सताव सहना पड़ता है। समय गुजरता है और फिर एक सांझ, माँ, मैंने सरकारी फॉर्म भरे थे, मेरी काबिलियत के बलबूते पर मुझे IAS की उपाधि प्राप्त हुई है। क्या कहा तूने? अरे तू कामकाजी हो जाएगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा? गौरी, ये पद मेरा सपना है। गौरी गुस्सेल गुब्बारे सा मुंह बनाकर संध्या को जोरदार तमाचा जड़ती है। संध्या रोते हुए अपने कमरे का रुख कर लेती है। फिर एक रात गौरी अपने चेहरे पर सौंदर्य प्रसाधन लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे उसे अलग ही मंजर देखने को मिलता है। अपनी सूरत को शीशे में निहारती हुई गौरी जोर शोर से चीखती है, ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? अरे क्या हुआ गौरी, क्यों गाय की नाई गुहार रही है? अरे ये तेरा चेहरा चितकबरा कैसे हो गया? पता नहीं माँ। अरे रे रे रे, दूर रह मुझसे, ये सफेद दाग एकदम कोड़ के जैसे जान पड़ रहा है, पता चले तेरा ये रोग मुझे भी ना लग जाए। गौरी को रोता देख संध्या बिना कुछ सोचे उसे सीने से सटाकर कहती है, घबराओ मत गौरी, लगता है तुम्हारे सौंदर्य प्रसाधन ने बुरा प्रभाव दिखाया है, मैं अभी हल्दी चंदन का लेप लगा देती हूँ। संध्या के अथक प्रयास से गौरी के चेहरे का चकत्ता एकदम समाप्त हो जाता है, जिसके बाद गौरी पछताते हुए बोलती है, हमेशा ही मैंने अपने गोरे रंग का गुमान दिखाकर तुम्हें नीचा दिखाया, फिर भी तुमने मेरी मदद की, क्यों? कि तुम मेरी बहन हो गौरी, मैं तुम्हें रोता बिलखता नहीं देख सकती, बीती बातों को बिसारने में ही हित है। गौरी संध्या के गले लगकर माफी मांगती है, संध्या दीदी, मैंने तुम्हारे संग सौतेलेपन का बर्ताव किया, मगर तुम सगों से भी बढ़कर हो। सारी गलती सरासर मेरी है, मैंने गौरी को सौतेलेपन की सीख दी। अपना स्वार्थ साधने के लिए मैंने आपके सपने को साकार न होने दिया। जो हुआ उसे भूल जाइए, अभी भी मेरे पास समय है, आप दोनों का दिल दुखाकर संध्या अपने सपने को साकार नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि तुम अपना साथ सपना साकार करो संध्या। सौतेली माँ और बहन का बदला स्वभाव देख संध्या फूले नहीं समाती। आखिरकार आज संध्या का सपना साकार हो गया। संध्या ने अपने काले रंग को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, इसलिए आज वो एक बड़े पद पर बतौर IAS बनकर अपनी माँ और बहन की जिम्मेदारी को बखूबी संभाल रही है।